नालंदा जिले के सोसराय थाना का ये बोर्ड देखिए, इस पर लिखा है नालंदा पुलिस सदैव तत्पर। लेकिन मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस की तत्परता देखने को नहीं मिल रही है। मॉब लिंचिंग का ताज़ा मामला 15 अक्टूबर की शाम लगभग 7:30 बजे बिहार शरीफ स्थित महुआ टोला दरगाह के पास का है। उस समय चारों तरफ अंधेरा था। 15-20 लोगों की भीड़ ने अलग अलग 3 लोगों का पहले धर्म पूछा और फिर उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। इनमें मोहम्मद राजा, सद्दाम कुरैशी और हासमा शामिल हैं। ये तीनों सोसराय थाना के तहत महुआ टोला के रहने वाले हैं। राजा दर्जी हैं और सद्दाम कबाड़ी का काम करते हैं। वायरल वीडियो में राजा और सद्दाम घटना का ब्यौरा इस तरह देते हैं। मैं रोड पे खड़ा था, मैं रोड से नीचे जब उतरा घर जाने की तरफ, तो कुछ 10 से 15 लोग आ रहे थे, तो मेरे से पूछा हिंदू है या मुसलमान है, तो मैंने बोला मुसलमान है। बस उसी में मारने लगा, मेरे को मारा भी, पैसा भी था, पैसा भी छीन लिया, मोबाइल भी छीनने का कोशिश किया मगर मोबाइल नहीं छीन पाया, ईटा से मारा, पत्थर था, गाड़ी में मेरा थोड़ा चुपचार दिया। हम बच्ची को लेकर अपने मोहल्ले से निकाल रहे थे, गली से, महुआ टोला से, हम महुआ गली से निकाल रहे थे, तो बच्ची कर्ली में घूमने के लिए 10 लड़का खड़ा हुआ था, एक सिंगल लड़का खड़ा हुआ था, तो मैं हमारे साथ मिलकर पीछे से आया, 10 लोग मिलकर दौड़ लिया, दौड़ने वाले डालते घूमा, जैसे जैसे तैसे मुँह मारना था, हम बच्चा छोड़ दिया, बच्चा मेरी भागी लग गई। क्यों मारा आपको, क्यों मारा? अब कोई बात हुआ था, मेटल मोहल्ला में हमको नहीं पता दिया, बिना मेटल का हमको धोना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपका नाम पूछा? हाँ, क्या पूछा? मीमा ही है। हाँ, मीमा मियाँ जी पूछता है, मीमा मासा है। 19 अक्टूबर को बिहार लोक संवाद .net ने राजा से मोबाइल पर संपर्क किया। राजा ने बताया कि गवाही के लिए 18 अक्टूबर की शाम को सोसराय थाना गया था, लेकिन मॉब लिंचिंग वाले मामले में पुलिस ने अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। जो आप लोग पर हमला हुआ था और जो ये थाने में आप लोगों ने FIR दर्ज किया था, क्या वह उस पर कोई कार्रवाई हुई? हो रही है सर, थोड़ा थोड़ा। क्या हुई कार्रवाई? एक तो पकड़ाया है। एक पकड़ाया है जी। अच्छा, क्या नाम? वो लोग हैं या फिर कोई और? चोरी भी हुआ था स्कॉर्पियो वही दिन। अच्छा, वो पकड़ के रखे हुए हैं, कल तो गए थे तो देखे थे। हाँ, अच्छा, वही आदमी था? नहीं, उसको तो मैं नहीं पहचानता, वो सर बोल रहे थे कि ये भी सब मिला हुआ होगा, इसको हम ये करते हैं तो टॉर्चर करें ना तो पकड़ा जाएगा। ओ, मतलब कि उस मामले में गिरफ्तारी हुई है, ये पता नहीं है, है ना जी? अच्छा, सबको पहचानते हैं? उस अंधेरा था वहाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा, एक को जब मैं गाड़ी चला रहा था, बस एक ही को मैं देखा था, शकल पे लाइट मार के, उसका फोटो भी मेरे पास है। तो ये आदमी कहाँ का है? ये आदमी या सब इधर ही आस पास का है, हो गया सहोखर का हो गया, खाजा सराय हो गया, सहोखर खाजा सराय, खाजा सराय रहुई, रहुई जी। अच्छा, इसी सब के आसपास का ये सब है ना? जी हाँ, यही सब। अच्छा, आसपास का। राजा ने बताया कि उन्होंने बाइक की रोशनी में एक आरोपी मनीष को पहचान लिया है। उन्होंने मनीष समेत तमाम आरोपियों को क्रिमिनल बताया। मनीष की तस्वीर राजा ने उपलब्ध कराई, जिसकी बिहार लोक संवाद तस्दीक नहीं करता। बिहार लोक संवाद ने सोसराय थाना से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष शमीम अख्तर ने पटना में बिहार लोक संवाद .net से बातचीत करते हुए मॉब लिंचिंग की हालिया घटनाओं की निंदा की। उन्होंने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी की। यह खबर मिलते ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की टीम पहुंची मौके पे। वहां पहुंचकर लोकल पुलिस स्टेशन को खबर की, थाना आती है और थाना की गाड़ी जो है वहां से सदर अस्पताल ले जाने का काम करती है। सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में वो दोनों का खून बहुत ही ज़्यादा बहता है, दो जो विक्टिम थे उनको बहुत ज़्यादा मारा जाता है, बाकी दो लोग जो है वहां से भाग जाते हैं मार्केट डर से। जब सदर अस्पताल थाना पहुंचती है तो वहां थाना पहुंचकर उनका इलाज कराती है और वहां से पुलिस चली जाती है। लोगों ने पूछा कि FIR दर्ज कीजिए, तो FIR दर्ज नहीं किया जाता है। और ये देखकर हम लोग वहां मौजूद थे, हम लोगों ने वहां पे SP और DSP को तलब किया, स्पॉट पे टीम पहुंची, थाना प्रभारी के पास जाकर
डीएसपी साहब ने खुद बैठ के रात के 12:30 बजे 15 तारीख को हम लोगों ने FIR कराया। वहाँ पे जो विक्टिम है और वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि CCTV फुटेज वहाँ पे है, वहाँ पे आप साक्ष्य को तलाशिए, लेकिन वहाँ पे अभी तक पुलिस ने जो है कोई साक्ष्य नहीं तलाशा है। SDPI चाहे वो बिहार शरीफ की घटना हो मॉब लिंचिंग का, चाहे वो कहीं भी पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर जहाँ भी लिंचिंग की घटना आती होती है, जहाँ हमारी टीम है, जहाँ हम सक्षम है, हमारी टीम वहाँ जाती है, लीगली पूरी मदद करती है। ये मॉब लिंचिंग एक सोची समझी एक रणनीति के तहत प्लान किया हुआ एक साजिश है। बिहार में आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही है। बिहार के अंदर हर 15-20 दिन में एक बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही है, देखने को मिल रहा है। मुझे नीतीश कुमार से और बिहार प्रशासन से यही उम्मीद है कि बिहार को लिंचिस्तान ना बनाए।